तो आपका इसमें क्या क्या आपको प्रॉब्लम? आप ये देखें कि ये डायरेक्शन और ये प्रोडक्शन इसकी कहाँ से है पहले तो ये गुड पॉइंट। तो और आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है क्या ये मुल्क में दिखा मुलीज दिखा मुलीज हो, हो, रही हो रही है या इंडिया में तो प्रोडक्शन there is no divine religion that hmm. supports homosexual हाँ और ये बात भी हिजरा हिंदुओं से exactly, भी पूछ लें कि जिनको important. जिनको आप डिपिक्ट कर रहे हैं hmm. yes. क्या वो इससे अग्री कर रहे हैं इन फैक्ट मैं बताता हूँ इसी के ये जो टीजर है ना इसके uh, अंदर कुछ क्योंकि हिंदूइज्म 30 सेकंड सो समथिंग का ये टीजर आया अभी hmm. उसका जो एंड होता है ना इट्स इट्स वेरी इलॉजिकल किस्म का एंड क्योंकि द एंड में द द द मेन कैरेक्टर प्रोबब्ली सीमिंगली शी गोज ऑन सैंग के गंगा ने भी तो अपने पता नहीं सात बच्चे थे, इनकी एक और hmm. आ, हमदर्दी के लिए बच्चे अडोप्ट कर लो hmm. तो बच्चे आप अडोप्ट किधर से करेंगे hmm. किधर से आएंगे बच्चे डाउनलोड hmm. तो होते नहीं आज तक और आपको मिनिमम लैब बेस्ड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है यू नीड एटलीस्ट टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड लिविंग सेल्स इन ऑर्डर टू जनरेटिंग से आएंगे साइंटिफिकली so, hmm. आपके पास कुछ नहीं है सो ऑल ऑल दिस इज बेस्ड ऑन समयिकल किस्म के कुछ फिलोसफीज हैं विच आर डिजेनरेटेड इन इन ट्रू सेंस इनफैक्ट बाइबल में ओल्ड टेस्टमेंट में न्यू टेस्टमेंट में मैन इफ अ मैन लाइज विद अ मैन लाइक ही लाइज विद अ वुमन सो द पेनल्टी इज डेथ पेनल्टी ट्रू ट्रू सो वहां पे डेथ पेनल्टी है hmm. यहां पे आपको सिर्फ अभी एक चीज हाईलाइट करके बताई जा रही है और अगर साबित हो जाए इस्लाम ही कहता है Sorry. तो वो भी गवाहों के साथ और इतनी क्लियर डिस्क्रिप्शन है hmm. कि अगर उस हालत में साबित हो जाए hmm. तो जो अनमरिड है उसके लिए कोड़े हैं और जो मैरिड है उसकी संसारी है तो उस पर भी इन्हें प्रॉब्लम है। हमारे तो नेचुरल रिलेशनशिप्स पे भी इस्लाम में जो है वो हद मुकर है yes. एक मर्द का औरत के साथ बगैर किसी ताल्लुक के या वो बाउंड्रीज जो कि इस्लाम ने डिफ़ाइन की है उससे आउटसाइड अगर जाके आप कोई रिलेशनशिप कायम करते हैं तो पेनलिटी ऑन दैट यस ठीक है आप किस चीज़ की बात है यू आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट अननेचुरल थिंग इन द वर्ल्ड अच्छा yes. इसी आपकी पॉइंट के ऊपर ऐड करते हुए देखें हमारे ज़माने में यानी आप कह लें कि जब से हमने आंख खोली है तो हमने अपने सामने आ, पाकिस्तानी फिल्म ड्रामा के अलावा एक भरपूर ओवरफ्लो देखा है ऑफ बॉलीवुड एंड हॉलीवुड ठीक है आई आई वुड से लाइक ऑल हमारे जो है, hmm. उनके अंदर ये चीज़ें हाँ, हाँ हैं अच्छा उन जनरेशन के अंदर जो कॉन्टेंट हमने कंज्यूम किया है हॉलीवुड एंड बॉलीवुड उसमें गोरे थे मुसलमान तो नहीं थे ना या बॉलीवुड में हिंदू थे मुसलमान तो नहीं थे uh, अच्छा वो वो जो दिखाते रहे वो दिखाते रहे लव अफेयर्स hmm. वो दिखाते रहे लड़का लड़की का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना वो कल्चर होना सो व्हाट हैपन वाज के हमारे अंदर हमारी जनरेशन में वो चीज़ बड़ी आम हो गई बिल्कुल Although we knew they they are not Muslims, hmm. but showed 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 us, showed us, showed us अपनी बात करूँ क्योंकि जब मेरा जमा जाली चल रहा था उस कंटेंट हम लोग देखते थे मुझे तन ये लगता था कि गर्लफ़्रेंड बॉयफ्रेंड होना कोई मसला नहीं है प्रॉब्लम ऑफकोर्स यूर नॉट चीटिंग ऑन यूर गर्ल फ्रेंड ऑफकोर्स यू आर नॉट बींग मीन टू हर और यू नो डूंग एनीर बट आप आपकी गर्लफ्रेंड है ये है वो है आप आपस में डेट पे जाओ ये करो इसमें क्या सी बुरी बात है क्योंकि जो हमारी माइंड है ना वो टोटली कंडीशन हो चुकी थी उस कंटेंट के साथ क्योंकि जितने भी हीरोज़ हमने देखे और जितने भी हीरोज़ को हमने अप्रिशिएट किया चाहे वो टॉम क्रूज हो टॉप गन में या वो सुपरमैन हो सुपरमैन की जो लोस्ट लेन गर्लफ्रेंड है बैटमैन हो फलाना और जो भी हमारे वर्ल्ड एट वन एंड एंड दूसरी तरफ देवर तो हम लोग नॉर्मलाइज हो गए उस बात से हालांकि हमारे घर के अंदर ये माहौल नहीं था हमारे घर के अंदर माँ बाप ने कभी भी ये चीज इंडोर्स नहीं की लेकिन कंटेंट देख देख के ना हमें लगा ये नॉर्मल सी बात तो फिर लोग ये लोग ये कैसे कहते हैं कि जो कंटेंट आप देखते हैं वो आपको इन्फ्लुएंस नहीं करता ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट ये सिर्फ कोई पागल इंसान कह सकता है फ्रेंकली स्पीकिंग ये कोई अक्लमंद इंसान नहीं कह सकता उसकी वजह यह है कि जब आपके पास साइकोलॉजिकल स्टडीज मौजूद हैं इन द सेंस के जो भी कॉन्टेंट आप कंज्यूम करते हो उसका आपकी शख्सियत पर असर पड़ता है कि ये कॉन्टेंट का असर नहीं होता, hmm. नहीं होता hmm. तो फिर ये जो एंटी स्टेट किस्म की फिल्म है, क्यों बैन कर रहे हैं exactly. आप चला देना प्रैक्टिकल देखा है ना दिंग गर्ल फ्रेंड बॉयफ्रेंड तो आप Uh, लूजर है और सिर्फ मेल्स में नहीं, नहीं। और में 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 और है और फीमेल्स में, वो भी ज्यादा है देखिए, yes. मैं कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, मेरे में ये चीज आ रही थी अगर ये बात हो ना तो फिर मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है hmm. दुनिया में कहीं भी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट ये तो काम ही नहीं कर सकेगा so, hmm. वो okay. तो मालब्रोक का कौन सा इश्तेहार आता होता था जिसमें दे वुड शो अ बिग हीरो व्हाई वुड दे शो दिस हीरो मतलब व्हाई वुड अ मार्केटिंग कंपनी हायर समबड़ी लाइक दैट जो कि लोगों की नजरों में रोल मॉडल है और वो उनकी प्रोडक्ट यूज कर रहा है व्हाई इफ इट डज नॉट इन्फ्लुएंस एंड जस्ट फॉर दिनमेंट पर वुड डू दैट आप देखें सिंपल सी बात है वो जो मालब्रो मैन जिसका आप कह रहे हो मालब्रो मैन वॉज अ काव बॉय और बड़ा वो उसका दिखा के उस जमाने में काव बॉयज़ का बड़ा एक ट्रेंड था वेस्टर्न मूवीज बड़ी चलती थी तो मालब्रो ने अपना मैस्कॉट बना लिया मालब्रो मैन को जो कि हमेशा एक रफ रगेड इन्वायरमेंट में है बड़ा एडवेंचर लविंग है और वो हर वक्त मालब्रो लेके घूम रहा है इसी तरह से आप छोटी सी मिसाल देखें अभी रिसेंट पास्ट में क्रिश्चानो रोनाल्डो जो है उसने सिर्फ क्या किया था पानी की बोतल को रखा और दूसरी साइड पे कर दी। एंटरटेनमेंट hmm. ही है ना hmm. Hmm. क्या हुआ कोक कोक थी। कोक का, का स्टॉक गिर गया। hmm. हाँ, रखा उसने उसने की तस्वीर आई है आई एम श्योर अलबैग की सेल्स और बढ़ जाएंगी हाँ, हाँ देखिए रोनाल्डो ये हुआ अल नोट रीजन टू है जो इंस्टाग्राम पेज है वो तो नाइन हंड्रेड एंड नाइन हंड्रेड एंड थाउजेंड पे नाइन ओ फोर के सब्सक्राइबर से फाइव पॉइंट फोर मिलियन पे चला गया जस्ट बिकॉज क्रिस्टानो रोनाल्डो साइन अप सो द थिंग इज इन्फ्लुएंसर्स रोल मॉडल्स दे हैव एन इंपैक्ट अब वो आपको पता है पुरानी फिल्मों में ना ये दिखाते थे कि हीरोज़ जितने भी फिल्मों के हैं उनके हाथ में कंटिन्यूसली सिगरेट होता था यानी यानी मैं बात कर 40s, 50s, 60s में, वेरी कॉमन प्रैक्टिस के हीरो जो है वो हाथ में सिगरेट है उसके सिगरेट से गा रहा है अलॉट ऑफ मूवीज इवन वेमन आगे जाके जब इनको साइड हार्मुल साइड इफेक्ट्स का पता चला ये वो तो उन्होंने अपनी मार्केटिंग थोड़ी सिविलिमिनल टाइप की तो कोई शक नहीं है कि

والله أعلم